बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हम सब के रिस्क में बरकत दे और हमारे दस्तरखानों को वसी करे और आपको हमेशा हसीन और जवान रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसे कि विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं और विंटर्स में हमारा सबसे बड़ा रोना ये होता है कि हम लोशन तो लगा लें और ज़ाहिर है स्किन भी इतनी ड्राई हो रही होती है कि लोशन तो लगाना ही पड़ता है, लेकिन वो लोशन या क्रीम्स हमारी स्किन को ब्लैक कर रहे होते हैं, मतलब हमारे कलर को डार्क कर रहे होते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसा ज़बरदस्त होम मेड लोशन शेयर करने लगी हूँ जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी रखेगा, हाइड्रेट भी रखेगा और साथ आपकी स्किन को वाइटनिंग देगा। मींस के जो लोशन आपकी स्किन को ब्लैक कर देते हैं ना, उस चीज़ से अब आपको परेशान ही नहीं होना होगा, आपकी स्किन ब्लैक की जगह वाइटन होगी। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, आपने क्लीन बोल लेना है, बिल्कुल क्लीन, उसमें कोई पानी वानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ड्राई हो। और उसके अंदर आपने लेनी है 1 चम्मच तिब्बत स्नो क्रीम। तो ये तिब्बत स्नो क्रीम आपको कहीं से भी मिल जाती है। अब मुझे कुछ लोगों ने बोला कि ये लोकल भी होती है, तो अब ये चीज़ आप ख़ुद देख लीजिएगा कि आप किस स्टोर से ले रहे हैं और आपकी तिब्बत स्नो क्रीम लोकल तो नहीं है, क्योंकि तिब्बत स्नो क्रीम एक बहुत ज़बरदस्त क्रीम है और ज़माना कदीम से इसको यूज़ किया जा रहा है। हमारी नानियाँ दादियाँ यूज़ करती थी इसको वाइटनिंग के लिए, क्योंकि जब तो इतनी ज़्यादा क्रीम्स नहीं होती थी, सो ये एक ही क्रीम होती थी और यही यूज़ की जाती थी। और आजकल तो इतनी ज़्यादा क्रीम्स आ गई हैं, लेकिन ये जो तिब्बत का मयार है, क्वालिटी है, ये अभी तक भी वैसी की वैसी ही है। फिर आपने लेना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। अच्छा, यहाँ पे एलोवेरा जेल मार्केट वाला ही यूज़ होगा, वो जो ग्रीन जार में आता है या ग्रीन बॉटल में होता है, आप यहाँ पे फ्रेश यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम फ्रेश यूज़ करेंगे तो हम इस क्रीम को स्टोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने 1 चम्मच एलोवेरा जेल इसमें ऐड कर देना है। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, साथ ही आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। तो ये जो लोशन है ये आप अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने हैंड्स पे, फीट पे। देन आपने यहाँ पे ऐड करनी है इसमें ग्लिसरीन, और ये ग्लिसरीन भी आपको मिल जाती है किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से, और ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है डीपली। मतलब कि जो लोशंस वगैरह होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं कि आपने लोशन लगाया और आपकी स्किन थोड़ी ही देर में ड्राई हो गई, तो ग्लिसरीन आपकी स्किन को देर पा मीन्स के 24 आवर्स तक के भी हाइड्रेट रखती है, मॉइस्चराइज रखती है, आपकी स्किन पे ड्राइनेस नहीं होने देती। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो वॉच कर ली है तो बस अभी हमारा एक ही पावरफुल इंग्रेडिएंट रह गया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी सी रेमेडीज़ देखने को मिलती रहें, और फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर किया करें। ये सदका जारिया होता है कि आप किसी को अच्छी बात फैलाएँ। तो उसके बाद क्या करना है, आपने लेने हैं वाइटनिंग कैप्सूल्स, और ये कैप्सूल्स भी आपको ईजिली कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाते हैं, 10 रुपये का आई थिंक सो एक होता है। तो आपने क्या करना है, आपने इतनी क्वांटिटी में 1 वाइटनिंग कैप्सूल इसमें ऐड करना है। पार्लर वगैरह में भी यूज़ होता है, इंस्टेंट वाइटनिंग के लिए कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, फेस पे आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन किसी क्रीम में मिलाकर। सो यहाँ पे अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर दिए हैं, अब है आपकी मिक्सिंग की बारी। मिक्सिंग आपने बहुत ही अच्छे से करनी है सारे ही इंग्रेडिएंट्स ताकि यकजा हो जाए और आपको बहुत ही ज़बरदस्त से रिजल्ट्स देखने को मिले। सो बहुत अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको, जब भी आपकी स्किन ड्राई हो, आपने अप्लाई कर लेना है, और आप इसको एज प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना मेकअप अप्लाई करने से पहले इसको लगा लें, आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगी। देन आप अपना बेस वगैरह अप्लाई करें तो कभी भी आपका बेस फटेगा नहीं, क्योंकि सर्दियों में यही चीज़ हो रही होती है कि अगर हम बेस वगैरह लगाते हैं ना तो वो ड्राई स्किन की वजह से फटने लग जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं। सो आपने इस रेमेडी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे अच्छा सा अपना फीडबैक देना है कि आपको आज की रेमेडी कैसी लगी। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।